हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों आज हम बातें करेंगे रनवे 34 एंड हीरो पंची 2 जो कि ट्रेलर आ चुकी है। दोस्तों दोनों मूवी बिग स्क्रीन पे क्लैश होने जा रही है ईद के मौके पे। एक तरफ है अजय देवगन और अमिताभ बच्चन रुकुल प्रीत सिंह, दूसरी तरफ है हमारे टाइगर बोले तो बॉलीवुड के टाइगर श्रॉफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड तारा सुकारिया। दोनों के डायरेक्टर की बात करें तो एक तरफ अहमद खान और दूसरी तरफ अजय देवगन खुद। अगर आप प्रोड्यूसर की बात करें तो एक तरफ अजय देवगन खुद और एक तरफ साजिद नाडियावाला। दोस्तों ये मूवी दोनों मूवी की अगर हम कंटेंट की बात करें तो दोनों मूवी की कंटेंट एनम अलग है, एनम हट के है। अगर हम हीरोपंती 2 की कंटेंट की बात करें तो हीरोपंती 2 का जो कंटेंट है वो एक एक्शन पैकेज है। मास ऑडियंस के लिए ये मूवी बनाई गई है। देखने के बाद एक ही लग रहा है कि ये मूवी मास ऑडियंस को खींच के आएगी और सिंगल स्क्रीन पे ये मूवी धमाका करेगी। लेकिन रनवे 34 की बात करें तो ये एक ट्रू स्टोरी है जहाँ पे अजय देवगन एक पायलट के रोल में है। किस तरीके से प्लेन वेलेन हाईजैक वेजैक कुछ भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेलर के जरिए, लेकिन फुल मूवी देखने के बाद ही मालूम चलेगा कि हकीकत में ये स्टोरी क्या है। मूवी की स्टोरी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं लिया हूँ मैं, लेकिन ट्रेलर ओके है, मतलब कि गुड नहीं बोल सकते, ओके। तो दोनों फिल्मों का अगर हम ट्रेलर की बात करें तो टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 का ट्रेलर काफ़ी दमदार है, एक्शन वगैरह, और ये भी ओके ट्रेलर है। दोनों बॉक्स ऑफिस पे ईद पे आ रहे हैं और ईद में एक बोले तो फेस्टिवल होती है, छुट्टी होती है, ऑडियंस 10 साल से तो सलमान खान को फिल्मों को प्यार देते आए, इस बार देखते हैं कि ईद पे किसकी ईदी ज़्यादा मिलता है। तो आप लोगों की क्या राय, आपके हिसाब से किसको ईदी ज़्यादा मिलेगा, आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताना दोस्तों। और आपको दोनों में से सबसे बेहतर ट्रेलर कौन लगा ये भी बताना। तो बस भाई, इतनी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।